आपको साथ साथ ये भी बताएं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद का सिलसिला जारी है और मोतबर बरतानवी सहाफ़ी और साबिक खिलाड़ी भी अपने बोर्ड के फैसले से बिल्कुल ही नाखुश हैं और वो भी बहुत कुछ वोकली बहुत कुछ कह रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ कॉमेंटेटर माइकल एथर्टन भी अपने बोर्ड पर तनकीद किए बगैर ना रह सके हैं और उनका कहना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का वाजिबुल कर्ज नहीं उतार सका और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक बयान जारी करके गलत किया है। तो वाजिबुल अदा कर्ज नहीं उतार सका, इंडीड नहीं उतार सका। वबा के दिनों में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड का दौरा करके सखावत दिखाई थी। जब इंग्लैंड में पीक पे था ये कोरोना वायरस का सिलसिला, दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का फैसला, दौरा जनूबी अफ्रीका की दस्तबरदारी और मैनचेस्टर की मनसूखी से बदतर है। पाकिस्तान का गुस्सा काबिल फहम है, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर इंग्लैंड की साबिक खवातीन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान में हक में बोल पड़ी हैं। इंग्लिश वेमेन टीम की साबिक कप्तान शर्लेट ने वेमेंस टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर मायूसी का इजहार किया और मेन्स टीम के लिए दौरे में आइडियल तैयारी ना हो मगर वेमेन टीम के लिए दौरा बहुत अहम था, वर्कलोड का बहाना बनाया गया। ये सारी बातें की हैं और वर्कलोड का भी बहाना बनाया गया, मतलब बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई। इंग्लिश वेमेंस टीम की साबिक खिलाड़ी एवरी रेनफर्ड ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बयान से वाजह है कि सिक्योरिटी का इशू नहीं था। उधर भी पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकलकर हमारी मदद की। ये यहाँ मैं आपको फुटनोट डाल दूंगी, हमारे हालात उस वक्त बहुत बेहतर थे, इनके इंग्लैंड में बहुत बुरे हालात पीक पे था कोविड और उसमें भी हमारी टीम वहाँ गई और इनका भी यही कहना है कि हमारी मदद के लिए ये आए और अब इसका जवाब देने का मौका था तो हमने ये किया। मुझे बड़े दिल को वो लग रही थी, एक वायरल भी हुई है ये ट्वीट दोबारा, जहाँ ये पिछले साल की है 2020 सेकेंड सितंबर, मैसिव रिस्पेक्ट एंड थैंक्स टू पाकिस्तान फॉर कमिंग ओवर इन दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। मतलब खत्म होने के बाद इस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, हमें भी ये शुक्रिया अदा करने का मौका देते। इट वुड बी रियली सैड कि अगर आज 2021 में भी क्रिकेट वो एक कलर एंड नॉन कलर वाले डिवीजन में बैठ जाए। आपको पता है ना, अगर आप आगे अभी इंसिस्ट करें कि ऐसा नहीं है तो प्रूफ करें ना, बातों से क्या होना है। इंग्लैंड का, चलो न्यूजीलैंड को हम क्या कहें, वो तो आके मैदान में खड़े होकर उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खेलना, हम जा रहे हैं। इंग्लैंड को क्या हुआ?